मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए अभिनेता गोविंदा आज मुरादाबाद पहुंचे थे। लेकिन फिल्म अभिनेता गोविंदा ने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल पहुंचकर मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए स्कूल प्रशासन को बधाई भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोविंदा ने फिल्मी गीतों पर प्रस्तुति देकर मौजूद सभी अभिभावक व गणमान्य व्यक्तियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के साथ मुरादाबाद के अनेक स्कूलों के प्रिंसिपल और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज का जो फंक्शन था वो आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल का इनॉग्रेशन था। स्कूल हालांकि पुराना है जी, लेकिन इसको एक नया नाम दिया गया है और स्कूल इस नाम के अनुरूप इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षा देगा और नए नए आर्यभट्टियंस को पैदा करेगा। वो सर आज मुख्य अतिथि को आज के समारोह के मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध सिने अभिनेता श्री गोविंदा जी थे और उन्होंने यहाँ के पब्लिक को काफ़ी हंसाया और अपनी शुभकामनाएं भी दी और कहा भी कि अगर गोविंद से गोविंदा बनना है तो बच्चों को संस्कार सिखाना है और बच्चे माँ बाप का आदर करना। सर क्या भेद महिला समस्त देशवासियों से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो जो पौधा हम लोग आज लगाए हैं इस पौधे के फल निश्चित तौर पर मीठे होंगे। थैंक यू। आई जॉइंड आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल एज ए प्रिंसिपल। टुडे इज द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द स्कूल। ऑल्दो द स्कूल इज ओल्ड बट इज गिवन ए न्यू नेम। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। So if you do not change according to the time, you will fail. So this school, which is now named as Aryabhatta, will meet the challenges of 21st century. Sorry.